तो चलिए बातचीत करते हैं, फैंस में कितना उत्साह है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ दुर्ग से जुड़ चुके हैं, तो प्रशांत हमारे सहयोगी मुंगेली से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मिथिलेश, किस तरह की स्थिति दुर्ग में है, कितना उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है? देखिए, लगातार जो भारत जीतते आई है उसके बाद में एक मैच हारी है, लेकिन यहाँ पे जो दर्शक हैं और जो भारतीय हैं उनको उत्साह कम नहीं हुआ है। वो पूरी तरह से भारतीय जीत के लिए प्रति उत्साहित हैं, और आज बारिश हो रहा है तो इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां कर रखी है, और उसके बाद टीम इंडिया को जिताने के लिए वो पुरजोर कोशिश करेंगे। काफी उत्साह है यहाँ पर लोगों में, हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मैच को लेकर उनके किस तरह का उत्साह है। ये जो एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ भारत हारा, हम लोग इसको अपनी हार के रूप में नहीं ले रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि अब भारत जो है और दुगनी शक्ति के साथ सारे मैचों को जीतेगा, और ईश्वर की विशेष कृपा से, भारत माँ के आशीर्वाद से हम विश्व विजेता बनेंगे, बहुत जल्द बनेंगे। चक दे चक दे। यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं आप? आज का मैच भी इंडिया जीतेगा, सेमीफाइनल भी इंडिया जीतेगा और फाइनल मैच भी इंडिया जीतेगा। इंग्लैंड के साथ जो हम लोगों ने हार हुआ है, तो हार से हम लोगों ने अपनी जो कमियां है उसे सबक सीखा है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारे टीम के प्लेयर इतने अच्छे हैं, हमारी जो बैटिंग ऑर्डर और फील्डिंग और बॉलिंग सब में हम परफेक्ट हैं, विश्व के हम नंबर वन टीम है, और जरूर आज हम बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरीके से हराएंगे, और आने वाले समय में 2-4-5 के दिन के अंदर लगातार इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हुए विश्व कप भी जीतेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ वासियों का ये आत्मविश्वास टीम इंडिया के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करने वाला है। मुंगेली से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मुंगेली वासी किस तरह से चेयर अप कर रहे हैं आज टीम इंडिया को? मैं बता दूं, क्रिकेट विश्व कप में भारत का आज अहम मुकाबला बांग्लादेश से है, और भारत इस समय 11 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, और भारत को सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए 1 अंक की आवश्यकता है। और किसी भी तरह इस मुकाबले को जीतकर फैंस चाहते हैं कि भारत आज ही सेमीफाइनल में पहुंचे, और क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह है, क्रिकेट प्रशंसकों ने काफी तैयारियां की है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी लोग खड़े हुए हैं, युवा काफी उत्साह है, और सारे लोग इंडिया टीम की जीत की भारत माता की भारत माता की। फैंस से भी बात करना चाहूंगा, कितना उत्साह है आप लोगों में आज के मैच को लेकर? आपको काफी उत्साह है, आज भारत बांग्लादेश को हरा कर सीधे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे, भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि आज भारत रोहित शर्मा से आज हम धोरे शतक की काफी मेले लगा रखे हैं, विराट कोहली से शतक जो मुझे ठीक तरीके से भी भारतीय टीम अपने काम में है, बड़ा मैच होगा और बड़े मैच में भारत जीत हासिल करेगी और सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं कि क्रिकेट प्रशंसकों में कितना उत्साह, सभी भारत की जीत की दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत भारत की जीत की दुआएं कर रखे हैं, साथ की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, और मिथिलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यही कहा जा सकता है कि टीम इंडिया को जीत के लिए पूरा देश अब शुभकामनाएं दे रहा है, तो छत्तीसगढ़ वासी भी काफी उत्साहित इस मैच को लेकर नजर आ रहे हैं।